आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पल्लव ब्लॉग्स के इस नए वीडियो पे। और फिलहाल अभी हम लोग जो है फोर्ड में बैठे हुए हैं और इस गाड़ी का जो है क्लच प्लेट जो है वो जल चुका है। क्लच प्लेट जलने का रीजन ये है कि क्लच प्लेट जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया है और हार्ड होने के कारण जो है क्या हो रहा है ना, पता कैसे चल रहा है। क्लच प्लेट हार्ड तो पहले भी था लेकिन अब पता कैसे चल रहा है, ये जो है RPM जो है यहाँ से छोड़ दे रहा है गाड़ी का और कभी कभी गियर जो है लैप्स कर जा रहा है। तो कल जो है मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि पूरे तरीके से जो है क्लच प्लेट जल चुका है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फोर्ड और फोर्ड चल के जो है इसका क्लच प्लेट का काम कराते हैं और इंश्योरेंस भी जो है फिलहाल इससे खत्म हो गया है तो अब जीरो डेप इंश्योरेंस भी जो है नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोनों चीज़ जो है अभी जाके वहाँ पे कराएंगे। और एक खुशखबरी जो है फोर्ड वालों के लिए, खुशखबरी ये है कि फोर्ड जो है इंडिया में फिर से बैक वापस आ रहा है अपने एंडीवर के साथ। तो 2024 और 2025 में जो है इंतजार करिए और देखिए कि कौन कौन सी गाड़ी जो है वो आती है। अगर फोर्ड इको स्पोर्ट आएगी तो सबसे पहला गाड़ी जो है मैं लूंगा फोर्ड इको स्पोर्ट, और इसको बदल के जो है मैं फोर्ड इको स्पोर्ट लूंगा। तो बरकरार रहिए, चलते हैं शोरूम और वहाँ चल के जो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम जो है दोस्तों हुआ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फोर्ड सर्विस सेंटर और देख सकते हैं फोर्ड का जस्ट सामने यहाँ पे जो है सर्विस का लगा हुआ है। तो अंदर जो है सत्यम है, सत्यम सर्विस एडवाइज़र, वो जो है मुझे जानते हैं। तो चलते हैं अंदर और सर्विस सेंटर वाले सत्यम से मिल लेते हैं, सर्विस एडवाइज़र जो है, और आपको भी जो है मिलाते हैं कि तो मैं ये कह रहा था कि अंदर सत्यम जो है वो है जिनसे मेरी कल बात हुई थी। मैं आया था, गाड़ी दिखाया था तो उन्होंने ये जो है वो करवाया था। वो सुबह 10 बजे बुला रहे थे तो 10 बजे तो आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि तमाम तरीके के जो है काम थे इस वजह से। तो चलते हैं उनसे मिलते हैं। देखिए सामने वहीं खड़े हैं सत्यम भाई हमारे, यही हैं। और बस लेट कर दिए हैं, लेट कर दी, लेकिन काम कराना होगा, मेरी जनता देख रही है आपको। हाँ यही है सत्यम भाई जिनके बारे में जो है मैं बता रहा था। तो चलिए अब गाड़ी इनको हैंड ओवर करते हैं और करवाते हैं काम क्लच प्लेट का। फाइनली दोस्तों 2 बजे, नेट 2 बज रहा है और 2 बजे जो है गाड़ी अंदर जा रही है। 2 घंटा जो है बस वेट करना पड़ा है क्योंकि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ जा रहा है तमाम बिहार से और आसपास के ज़िलों से जो है। गोरखपुर एक हब है। हाँ तो दोस्तों फाइनली गाड़ी का काम जो है वो हो चुका है, क्लच जो है एकदम फ्री हो गया है दोस्तों, क्लच में जो है कोई दिक्कत नहीं है। और अभी दिखा दूं मैं आपको तो बहुत ही ज़्यादा हल्का जो है क्लच हो गया है एकदम, मतलब मक्खन की तरह जो है इसको कह सकते हैं। तो सीन जो है यही है, फोर्ड जो है फिर से वापस आ रही है इंडिया में। तो आप सबों के लिए जो बहुत ही मतलब खुशखबरी वाला न्यूज़ है, एंडीवर के साथ जो है आ रही है। अब देखिए कब तक आती है, ये इम्पोर्टेंट है। अब जब भी आ जाए, अब देखिए एक एक्सीडेंट गाड़ी जो है फोर्ड एंडीवर, ये देखिए जा रही है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी। तो सीन जो है अभी मैं दिखा दूँ आपको कि क्लच प्लेट का जो है कितना रुपया लगा है और इंश्योरेंस भी जो मैंने कराया है। जीरो डेप तो इंश्योरेंस नहीं हो पाया लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव 50-50 वाला इंश्योरेंस हुआ है जो कि 19,000 का पड़ा है मुझे, 18,000 कुछ रुपए, 330 रुपए का। और बिल जो है मैं आपको दिखा दूं, अभी निकाल के जो है मैं आपको शो कर देता हूं कि बिल जो है वो कितने का बना है, क्लच प्लेट और बाकी सब चीज़ें जो है वो सब जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो बेसिकली यही आज के वीडियो के ऊपर था कि फोर्ड जो है वो वापस आ रही है, यही है मेन मकसद। फोटो में डाल दूंगा, इधर देख सकते हैं फोटो जो है फ्लैश हो रहा होगा कि बिल जो है टोटल कितना जो है मुझे पे करना पड़ा। तो यही सीन है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अपने भाई को, क्योंकि आपके भाई को जो उससे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।